मैम मेरी शादी में ना सिर्फ 15 दिन रह गए हैं और 15 दिन के अंदर कुछ मिरेकल हो सकता है। मैंने ना शादी के लिए अपना वेट लॉस किया था बट 8 किलो तक मेरा वेट गेन है। क्यों? क्योंकि मैं इतनी खुश थी और मैंने इतना ओवर ईट कर लिया डेटिंग करते करते। उसके साथ साथ मैंने अपना शादी की शॉपिंग भी कर ली और शॉपिंग में मैंने बाहर का इतना सारा खाना खा लिया कि मेरा पूरा 8 से 9 किलो वेट गेन है। उसके साथ साथ पिंपल एंड एक्ने भी आ चुके हैं एंड पूरा बॉडी सत्यानाश स्वेलिंग हुआ पड़ा है। और मेरे को लगता था जो मैंने इतना महंगा लहंगा लिया है अपनी शादी की शॉपिंग की है उसमें अगर मैं ऐसे घुसूंगी तो मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। और जो इतनी महंगी मेरी मेकअप आर्टिस्ट मैंने पकड़ी है वो क्या मेरे एक्ने और एक्ने के स्कार्स को छुपा के वो ग्लो एंड शाइन दे पाएगी? ऐसे कॉल्स एंड मैसेजेस मैं पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। हाय गाइस, नमस्ते, मैं हूँ सुमन एंड वेलकम टू फैक्ट ऑफ फैब। एंड आज की वीडियो में मैं बात करूँगी वेडिंग्स, शादियाँ, जिन जिन के घर में शादियाँ हैं, जिन जिन की खुद की शादियाँ हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया होगा शॉपिंग करते हुए, बाहर का खा के या फिर एक्साइटमेंट में ओवर ईट करके या फिर मीठा बहुत ज़्यादा खा के। और रिलेटिव्स के साथ जब आप ग्रुप्स में बैठे होते हो तब कितना खाना किसके पेट में कहाँ जाता है किसी को समझ ही नहीं आता। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं एंड फिटनेस की बात करते हैं सबसे पहले चीज़ें आती है, क्या कपड़े मुझे फिट आएंगे, क्या मैं फिट फील कर रही हूँ, मैं हेल्दी फील कर रही हूँ, क्या मैं ठीक हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आई एम श्योर आपके साथ ये चीज़ होगी, यार मैं तो ठीक नहीं हूँ, कहीं ना कहीं जॉइंट्स में पेन होगा, बॉडी में पेन होगा, टमी बिल्कुल ब्लोट होकर बाहर आया होगा एंड कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा। 15 दिन के अंदर आप इजीली अपना जो शेप में थे पहले या फिर आपका अगर इंस्टेंट वेट लॉस की आपको रिक्वायरमेंट है आप इजीली कर सकते हो। 7 से 8 किलो 15 दिन के अंदर इजीली आप शेड कर सकते हो विद ओट्स का डाइट। मेरी सेकेंड लास्ट वीडियो में मैंने ओट्स की 3 रेसिपीज शेयर की थी एंड उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि ओट्स किस तरीके से हेल्प करता है हमारा फास्ट वेट लॉस में। ग्लूटेन फ्री होता है, रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, आयरन है, प्रोटीन का सोर्स है, गट के लिए बहुत अच्छा है एंड डिटॉक्स में बहुत अच्छे से हमको हेल्प करता है। बात करेंगे फास्ट वेट लॉस की, स्पेशली दिस डाइट की। मेक श्योर आप ओट्स के अलावा किसी भी प्रकार का और कोई ग्रेन या फिर मिलेट्स ऐड डाइट में नहीं करेंगे। ये डाइट करने से 110% गारंटेड आपका 7 से 8 किलो वेट लॉस होगा इन जस्ट 15 डेज। एंड ट्रस्ट मी, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी एंड ग्लोइंग होगी, उसके साथ साथ आपके एक्ने एंड पिंपल्स भी जाएंगे। ये जो डाइट है ये बहुत ही सिंपल है बनाना एंड ये क्विक बनेगा क्योंकि ओट्स है। ओट्स आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हो, मीठा, नमकीन या फिर उसको स्मूदी बना के भी ले सकते हो एंड ये बहुत क्विक बन जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा फिलिंग भी होते हैं एंड आपको अगर बार बार क्रेविंग्स हो रही है या भूख लग रही है या आपकी भूख को भी सप्रेस करते हैं। उसके साथ साथ हमने आयुर्वेदिक की कुछ ऐसी ऐसी ड्रिंक्स ऐड करनी है जिसकी हेल्प से हमारे हॉर्मोन्स भी बैलेंस हो और हमारा हंगर पर कंट्रोल हो जाए। डाइट शुरू करने से पहले जिधर भी हो आप, जहाँ पे भी हो, आपने कुछ फॉर्मूलाज फॉलो करने हैं। नंबर पहली चीज़, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर थिंक, ये सब आपके वेट लॉस की जर्नी पे एक फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस ले रहे हैं बट आपने डाइट प्रॉपर करा, आपका वेट लॉस हो रहा है, नहीं होगा, वेट वहीं पे स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा या फिर वो बढ़ भी जाएगा। आपको लगेगा मैंने प्रॉपर पूरे दिन डाइट करा और मेरा वेट क्यों नहीं जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंक एंड स्ट्रेस। सेकेंड इज़ वाटर इंटेक। अगर आपने प्रॉपर पूरा डाइट कराया और पानी का इंटेक ठीक नहीं रखा और वो पानी अच्छे से फ्लश ऑफ नहीं हुआ, ना तो आपका वेट लॉस होगा और ना ही आपके इंच लॉस होंगे और आप अगले दिन वेट गेन करोगे। सो मेक श्योर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दोगे एंड आप अच्छे से पानी पियोगे सिप सिप करके एंड ढंग से आप उसको फ्लश ऑफ करोगे। नंबर 3, यू हैव टू चेक योर वेट एवरी सिंगल डे। मैं 7 ईयर्स से यही बोल रही हूँ, यू हैव टू चेक योर वेट एवरी सिंगल डे। सुबह उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे, आप फ्रेश होंगे, आप सारे कपड़े हटाएंगे, आप डिजिटल मशीन पे अपना वेट चेक करेंगे कि आपके कितने ग्राम्स में आ रहे हैं। वेट किलो में कभी नहीं जाता, धीरे धीरे ग्राम्स में जाता है। सो आपको अपने ग्राम्स के वेट रिडक्शन पे प्रॉपर पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्लीप की। आपके घर में रिश्तेदार हैं, आपको वेट शेड करना है, कैसे भी मैनेज करो 8 आवर्स का स्लीप आपको लेके चलना है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके मील्स के टाइमिंग्स, आप भागा दौड़ी में हो, आप बाहर हो, आप अंदर हो, आपका कोई भी मील स्किप नहीं होना चाहिए। अगर मील स्किप हो गया अगले दिन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वेट शेड होगा। ये सारे फैक्टर्स ना मुझे बहुत हेल्प करा था जब मेरे वेट लॉस जर्नी चल रही थी और वो आज भी चल रही है। जब भी हमारी वेट लॉस की जो जर्नी होती है या फिटनेस की जर्नी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो ऑन गोइंग होती है। हम अपनी बॉडी से कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते और ना ही हम अपनी फिगर से कभी हो सकते हैं। हमें और ज़्यादा अच्छा चाहिए, हम और ज़्यादा कर रहे हैं।
इसलिए मेरी ये सारे फैक्टर्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं मेरी वेट लॉस जर्नी पे और मुझ में जितनी भी मैं फिटनेस कॉन्शियस रहती हूँ। अगर आपको फिटनेस में जाना है, अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखना है, आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं ओट्स की डाइट की एंड स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। नाउ मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर आपको 7 से 7:30 बजे या 8 बजे तक मैक्स आपको ले लेना है। आपके घर में बहुत सारी आवाज़ें आएंगी जूसर की, कोई बात नहीं, सबको उठा दो और सबको जूसेस पिलाओ। जूस पियेंगे हम, क्योंकि जूस पीने से आपके जो स्किन के स्कार्स हैं, आपके एक्ने हैं, आपकी पिगमेंटेशन आई है, वो सारी जाएगी। एंड जूस एक डिटॉक्स का काम करेगा, रिच सोर्स ऑफ आयरन है और आपके बाल भी हेल्दी करेगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे जूसेस की रेसिपीज़ है, ग्रीन जूस, रेड जूस, येलो जूस एंड एशकार्ड का जूस। इनमें से कोई सा भी जूस आप पिक कीजिए फ्रेश और आप उसको पियेंगे। सेकेंड, हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट में हमें सिर्फ ओट्स ही यूज़ करना है। मेरे चैनल पे ओट्स की खिचड़ी है, ओट्स एंड अनियन का पराठा है, ओट्स का चीला है, ओट्स एंड मूंग दाल का पराठा है, स्टील कट ओट्स की खिचड़ी है। इनमें से कोई भी रेसिपीज़ आप पिक करेंगे, आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे। साथ में अगर आपको दूध वाली चाय या कॉफ़ी लेनी है, आप वो ले सकते हैं, बट मेक श्योर आप उसके अंदर या तो देसी खांड डालेंगे या जैकरी डालेंगे। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने आप को ब्रेकफास्ट के बाद मिड ब्रेकफास्ट में। नाउ ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 9 बजे से पहले का रखना है। अब मिड ब्रेकफास्ट के अंदर अब हम आते हैं फ्रूट्स पे। 10:30 से 11 बजे के बीच में हमें मिड ब्रेकफास्ट लेना है। जिन जिन लोगों ने मिड ब्रेकफास्ट स्किप करा, कसम से उनका कोई भी वेट नहीं जाएगा, क्योंकि लंच तक वो इतना ओवर ईट कर जाएंगे, इतनी ज़्यादा उनको भूख लग जाएगी, पानी भी बहुत ज़्यादा पिया जाएगा एंड फूड भी ज़्यादा खाया जाएगा। सो, हमारे लंच का मेन्यू में हम क्या क्या ऐड करेंगे, हम लेंगे डिटॉक्स कॉफ़ी। मेरे चैनल पे बहुत सारी ओट्स की डिटॉक्स कॉफ़ी है, एप्पल डिटॉक्स कॉफ़ी है एंड डेट्स की ओट्स मिल्क की कॉफ़ी है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ओट्स मिल्क की कॉफ़ी है, या फिर ओट्स की पुडिंग है, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स है जिसके अंदर आप लॉट्स ऑफ बेरीज या कोई भी फ्रूट एंड हनी डाल के आप खा सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको इन सारी मीठी चीज़ों को नहीं खाना, मेरे चैनल पे ओट्स एंड सोया चंक का हाई प्रोटीन सैलड है, वो ले सकते हो। ओट्स एंड दाल का सैलड है, वो भी ले सकते हो। सिर्फ हम ओट्स को ही यूज़ करेंगे पूरी एंटायर डाइट के अंदर। अब हम बात करते हैं नाउ इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी के अंदर जब आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना है, अपने भूख को कम करना है, सप्रेस करना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना है, जो कि आपको बिल्कुल भी जंक और ओवर ईट या मीठा ना खाने दें, उसके लिए यहाँ पे हम लेंगे शतावरी। शतावरी की टी लेंगे, उसके साथ आप बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं सोक करा हुआ, या फिर आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, भुना मखाना ले सकते हैं, पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं या सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, या फिर इन सबको आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर इन 15 दिन के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे शतावरी की टी लेनी ही लेनी है। शतावरी क्या है, किस तरीके से आपकी बॉडी में हेल्प करता है, मेरे को बहुत तरीके से शतावरी ने हेल्प करा पिछले 2 महीनों में। एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी जो स्पेसिफिक वीडियो है, मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पक्का देखना अगर आप ओवर ईट, मीठा, मूड स्विंग्स की वजह से अपनी डाइट ख़राब करते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ना डिनर की। अब डिनर एक सबसे क्रिटिकल पार्ट है, नहीं, मैं 7 ईयर्स से देख रही हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ कि डिनर आते आते सबके पंगे चालू हो जाते हैं, सबके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, सब एकदम बिंज ईटिंग पे उतर जाते हैं, 4 बिस्किट खा लेंगे, 2 मुट्ठी भर नमकीन खाए आएंगे, या फिर गजक खा लेंगे, मठियाँ खा लेंगे और उसके बाद कहते हैं कि हमने तो कुछ खाए नहीं। इतने से क्या होता है, इतने से कुछ नहीं होता, इतने से ही सब होता है। इतने से आपकी बॉडी ख़राब नहीं हुई, बट आपकी बॉडी को इंडिकेशन चली गई कि उसको और एक्स्ट्रा खाना मिल सकता है, तो वो वेट शेड नहीं करेगी। आपके हार्मोन्स सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और सबसे ज़्यादा वेट गेन करते हैं। हार्मोन्स करते कुछ नहीं है, वो आपके मूड इस तरीके से बना देते हैं, आपके भूख को इस तरीके से कर देते हैं, आप ओवरलोड करके अपने आप को भरो, खाओ, दबा के खाओ। अब हम डिनर की बात करते हैं ना, और डिनर हम ना 6:30 बजे से लेके 6:45 बजे के बीच में ख़त्म करेंगे। 7 बजे के ऊपर नहीं जाना, हमने 6:45 का टाइम लेना है, 6:45 एंड हमारा डिनर ख़त्म। 6:45 to 6:30 के बीच से आप 6 बजे का टाइमलाइन लेके चलो कि 6 बजे से लेकर 6:45 बजे के बीच हमारा डिनर ख़त्म हो जाना चाहिए। डिनर के अंदर हम क्या लेंगे, अच्छी नींद आनी है, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, सुबह उठ के आपका स्टमक अच्छे से क्लियर हो जाए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका वेट शेड हो जाए, वेइंग स्केल पे नंबर अच्छा देखे। सो डिनर का हमेशा ध्यान रखना। नाउ डिनर के अंदर हम लेंगे मखाना एंड ओट्स का शीरा, या फिर हम कोकोनट एंड ओट्स का शीरा लेंगे। अगर आपको दोनों लेने का मन नहीं है, जी मैं नहीं ले रही, मेरे बस की नहीं ओट्स और रात को खाना, सो आप लेंगे सूप। मेरे चैनल पे बहुत सारे वेजिटेबल सूप है, बहुत सारे, आप इनमें से कोई सा भी सूप पिक कर सकते हैं। सूप लेने का भी मन नहीं है,
पनीर से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारी हाई प्रोटीन रेसिपीज़ हैं सैलड्स की, आप वो सैलड्स ले सकते हो। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जितनी भी सैलड्स लोगे, जितने भी सूप लोगे, क्योंकि हमारे पास कितने दिन है, जस्ट 15 दिन है, राइट? और हमें 15 दिन में 7 से 8 किलो शेड करना है। डिनर में आप नमक नहीं लोगे, जितनी भी स्वेलिंग और सूजन आई हुई है ना फेस पे, वो सारी की सारी 3 दिन के अंदर गायब होगी। बट उन 3 दिन में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि यार चला तो गया, जा तो रहा है, कर तो लेंगे, वो काम आपने नहीं करना। एंड इसको बिना नमक का डिनर रखेंगे। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, हमारा ब्रेकफास्ट बहुत हैवी गया है, लंच हमारा थोड़ा सा कम हैवी गया है, डिनर हमारा नाममात्र गया है। बॉडी कैसे रिस्पॉन्स नहीं देगी, हर हाल में रिस्पॉन्स देगी आपको। अब हम बात करते हैं जी नाइट ड्रिंक की। अब नाइट ड्रिंक में हम ऐसा क्या लें जिसकी हेल्प से सुबह हमें अच्छे से पॉटी भी आ जाए, कॉन्स्टिपेशन क्योर हो जाए और उसके साथ साथ हमारा वेट अच्छे से शेड हो और पूरे दिन का जो ढांचा है बिना फार्टिंग एंड बर्बिंग एंड एसिडिटी के चला जाए। हम लेंगे अजवाइन टी। सर्दियाँ हैं, अजवाइन की तासीर गर्म होती है एंड अजवाइन टी मुझे लगता है बेस्ट टी है विंटर्स की, रात को सोने से पहले की। अजवाइन टी कैसे बनानी है, पिंच ऑफ अजवाइन 2 कप पानी में उबालना है, जब तक 1 कप हो जाए हम छान के उसे पियेंगे। जस्ट सच अ सिंपल टी। एंड ये जो डाइट प्लान है, ये इतना अमेजिंग और इतना प्यारा डाइट प्लान है, आपका आराम से 8 किलो तक वेट शेड होगा 15 दिन के अंदर। एंड जिन जिन को लगता है कि यार अब मैं फंस गई, अब मैं परेशान हो गई, अब तो मेरा वेट शेड नहीं होगा, एक बार की बात बताती हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने ना एक बहुत अच्छा आउटफिट बनवाया था, स्ट्रेस की वजह से मेरा वेट गेन हो गया 4 किलो। अब 4 किलो जो मेरा वेट गेन हुआ था, मैं परेशान हो गई और जब तक वो वेडिंग का टाइम आया मेरा 2 किलो एडिशनल एडेड है, क्योंकि उस परेशानी में मैंने इतना खा लिया। इंसान है, मानते हैं हम ये काम में हैं, बट हम भी ओवर ईट कर लेते हैं यार। 6 किलो टोटल गेन हो गया। अब ये चीज़ आपने नहीं करनी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सुनो, आपके पास कम टाइम है, आप ये डाइट फॉलो करेंगे एंड ईजली यू कैन लूज़। पैनिक होना, परेशान होना, खुद को स्ट्रेस में डालना, कपड़े लूज़ करवा लेना कि 2 इंच और खुलवा लेती हूँ ना, कोई बात नहीं, घुस जाएगा, रुको, हो जाएगा, पहले 15 दिन हम ये डाइट करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज़ रियली यूजफुल फॉर यू गाइज। एंड जिन जिन लोगों के पास बहुत लिमिट टाइम पड़ा है, जो बहुत मोटे दिख रहे हैं, जो अंडर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, जिनको लगता है बैंड बज गई, अब कुछ नहीं हो सकता, शेयर दिस वीडियो विद देम। सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगी बाजरा के बारे में। बाजरा अमेजिंग चीज़ है वेट लॉस के लिए, स्पेशली इन विंटर्स। 3 महीने रज के बाजरा खाएंगे और संडे को मैं लाइव आऊँगी। बहुत सारे लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम आई है, जिन जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया उनको कॉन्फर्मेशन नहीं आई, वेबसाइट अगेन क्रैश हो गई थी फुल्ली, बट मैं और एक पर्सन और है, हम दोनों मिलके पूरे ऑर्डर्स टेक केयर करें। बहुत सारे ऑर्डर्स हमने भेज भी दिए हैं एंड आप लोगों के पास बहुत सारे आ रहे हैं। एंड 100 जो फर्स्ट ऑर्डर्स हैं टी के, उसके अंदर मैंने एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट भी डाला है एंड ये आप लीजिएगा एंड इसको ट्राई कीजिएगा। एंड संडे को मैं लाइव आके बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी इन टीज़ के बारे में। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। सो आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय।